सो नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें अभी आप पहले देखते हैं हम सब फॉर्मूलेज एंड देन द क्वेश्चंस एग्जांपल्स रिलेटेड टू द गिवन फॉर्मूलेज. सो पहला है फॉर्मूला ऑफ क्यूब. क्यूब इक्वल्स टू क्यूब का पहले लेटरल सर्फेस एरिया देखते हैं. लेटरल सर्फेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार वॉल का एरिया, मतलब नीचे का फ्लोर और ऊपर का सीलिंग छोड़ के जो चार वॉल आएगा उसका एरिया आपको फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैटरल सर्फेस एरिया. तो देखो क्यूब में हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है एंड वी नो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. तो मतलब ये फेस का एरिया ए स्क्वायर आएगा. वैसे ऐसे टोटल कितने फेसेस है इसमें? सिक्स फेसेस है. लैटरल में फोर वॉल्स में कितने? चार फेसेस है. एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, तो ऐसे चार फेस का एरिया कितना आएगा? फोर ए स्क्वायर. तो लैटरल सरफेस एरिया आया 4a² टोटल सरफेस एरिया पूरे फेसेस का एरिया. टोटल सरफेस एरिया विल गिव द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस. तो इसमें टोटल सिक्स फेसेस हैं, एक का एरिया है a², तो सिक्स फेस का एरिया आएगा 6a², द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a². देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a³ दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइड क्यूब. ए मतलब इसका साइड लिया हुआ है. द नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स. फोर वॉल्स में आपको सीलिंग और फ्लोर छोड़ के, दैट इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स. तो इसमें देखो ये वाला है सामने का फेस है, इसका एरिया क्या आएगा? एल इंटू एच. ये एल है, एल इंटू एच. वैसे ही बैक फेस का, इसके बैक फेस का भी एल इंटू एच, तो ये आ गया 2lh. फिर ये साइड फेस, साइड वॉल का एरिया आ जाएगा बी इंटू एच, और ये साइड वॉल का एरिया आ जाएगा बी इंटू एच, तो ये आएगा 2bh. इसमें कॉमन निकलता है 2h कॉमन है, तो 2h l प्लस बी इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. देन टोटल सरफेस एरिया में हर एक फेस का एरिया फाइंड करना है, तो इस फेस का एरिया आएगा, रेक्टेंगुलर है तो l इंटू एच, ठीक है. फिर ये ऊपर का भी l इंटू एच, सॉरी साइड का, उसके पीछे बैक फेस का l इंटू एच, इसके फ्लोर का L इंटू बी, ऊपर का L इंटू बी, बैक का, इसका साइड वॉल का B इंटू एच. तो सारे देखो दो बार एल एल बी है, दो बार बी एच है, दो बार एच एल है, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू एल बी एच. देन थर्ड इज अ सिलेंडर. सिलेंडर में पहले देखें CSA. CSA मीन्स कर्व्ड सर्फेस एरिया. इसमें कर्व्ड सर्फेस एरिया बोलते हैं इसको, LSA नहीं बोलते हैं, कर्व्ड सर्फेस एरिया. सो कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh. देन टोटल सर्फेस एरिया पूरा इसका, टोटल सर्फेस एरिया में देखो, इसमें टोटल सर्फेस एरिया में क्या आएगा? कर्व्ड सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस. तो कर्व्ड सर्फेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेसिस. और इसमें बेस देखो, बेस जो है वो इट इज इन द सिलेंडर, इट इज इन द सर्कुलर फॉर्म, तो एरिया ऑफ सर्कल होएगा इसमें, फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ सर्कल का बेसिस में. तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर है 2πrh प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेसिस πr², तो 2 इंटू πr², इसमें से 2πr कॉमन निकलता है, सो वी गेट 2πr ब्रैकेट h प्लस r इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर. देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h. नाउ नेक्स्ट इज कोन. कोन में ये इसकी हाइट है, ये इतना रेडियस हो गया, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट दैट इज डिनोटेड बाय l. सो फर्स्ट विल फाइंड द स्लैंट हाइट. ये देखो पाए और एच, ये दोनों भी राइट एंगल, ये राइट सर्कुलर कोन है, सो दे आर फॉर्मिंग अ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल बन रहा है, सो वी कैन फाइंड एल बाय यूजिंग अ पाइथागोरस. सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नाउ सी एस ए ऑफ कोन इज पाए आर एल, जिसमें एल है स्लांट हाइट, जिसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देन टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन इज सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस. सी एस ए पाए आर एल, एरिया ऑफ बेस है पाए आर स्क्वायर, तो पाए आर कॉमन निकलता है, पाए आर एल प्लस आर इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन. देन नेक्स्ट इज अ स्फीयर. स्फीयर में कर्व्ड सर्फेस, ये देखो स्फीयर का ये रेडियस है, तो इतना भी रेडियस होता है, इसकी जो हाइट है स्फीयर की वो भी रेडियस रहती है, और इधर भी जो हाइट है वो भी इक्वल टू द रेडियस रहती है, ठीक है. तो स्फीयर में हाइट नहीं रहती है, हाइट इक्वल्स टू द रेडियस रहता है इसका, ठीक है. तो स्फीयर का कर्व्ड सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया सेम है, तो कर्व्ड सर्फेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³. देन हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ स्फीयर. स्फीयर का आधा पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज अ हेमिस्फीयर. तो सेम ये रेडियस है, इसकी हाइट भी इक्वल्स टू रेडियस रहेगा, जब इसके पहले मैंने आपको स्फीयर में बताया है रेडियस, और ये भी रेडियस रहेगा,
ठीक है, तो एमोस्फियर में, तो इसमें सी एस ए ऑफ एमोस्फियर, इसमें सी एस ए ऑफ एमोस्फियर आएगा 2πr², इधर था 4πr², तो 4 का आधा कर दिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस होगा, तो सी एस ए है 2πr², एरिया है πr², मतलब ये टोटल हो जाता है 3πr², तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एमोस्फियर इज 3πr² एंड वॉल्यूम इज 2/3πr³, वॉल्यूम इज 2/3πr³, 4 का हाफ कर दिया 2, तो 2/3πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ एमोस्फियर, ठीक है. Now we'll see the next topic, that is surface area of the combination of solids. How to find the surface area if the two solids are combined or more than two solids are combined. यहाँ पे देखो दो solid combined हुए, एक cylinder और उसके ऊपर एक cone. तो यहाँ पे cylinder और cones combined हुआ है. So whenever the solids are combined, जब भी दो solids combined होते हैं, तो some portion of the solids are disappear. ठीक है, सम पोर्शन ऑफ सॉलिड आर डिसअपियर. तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते समय हमको टीएसए ऑफ सिलेंडर या टीएसए ऑफ कोन नहीं ऐड करना है. इसमें देखो, इसमें जो आपको दिख रहा है वो है सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है, दैट विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो इसमें आ जाएगा टीएसए ऑफ सॉलिड आ जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है. जब भी व्हेनेवर द सॉलिड्स आर कंबाइंड, सो वी हैव टू फाइंड the total surface area by adding their CSA of the given solids. Now on this basis combination of the solids we'll solve some example. तो पहले देखते हैं example 1. तो example 1 में आपको दिया हुआ है that Rashid got a playing top as his birthday present which surprisingly have no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone mounted by a hemisphere. क्या बोल रहा है? The top is shaped like a cone which is mounted by a hemisphere. मतलब कोन के ऊपर माउंट है. माउंट मतलब ऊपर, ठीक है. माउंट एवरेस्ट ऊपर रहता है ना, तो उसके ऊपर कोन के ऊपर माउंट है हेमिस्फियर. सो कोन इज माउंटेड बाय अ हेमिस्फियर. हेमिस्फियर द एंटायर टॉप इज 5 cm इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ टॉप इज डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 cm. सो लेंथ ऑफ एंटायर टॉप दिया है 5 cm और इसका डायमीटर दिया, डायमीटर ऑफ टॉप दिया है 3.5 cm. तो रेडियस आ जाता है 3.5/2, दैट इज इक्वल टू 1.75 cm इज द रेडियस, ठीक है. वैसे अभी हाइट पूरे टॉप की दी है, तो टॉप ऑफ वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोन के लिए अभी देखो इसका रेडियस 1.75 है. मैंने आपको इसके पहले भी बताया हेमिस्फीयर का जितना रेडियस रहेगा उसकी हाइट भी इक्वल टू द रेडियस रहती है. तो इतना भी 1.75 आ जाएगा. तो 5 में से हम क्या करेंगे, 1.75 माइनस किया, सो विल गेट द हाइट ऑफ कोन. तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगा 5 माइनस 1.75, दैट इज इक्वल्स टू 3.25 cm इज द हाइट ऑफ कोन, ठीक है. फिर सो पहले कोन दिया है, तो सीएसए में एल फाइंड करना पड़ेगा. तो स्लांटेड वी आर फाइंड दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच दिया है 3.25² प्लस आर है 1.75². ये देखो जिसके लास्ट में 5 रहेगा उसका स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट ट्रिक से आ जाता है. उसका 5 का आपको क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 ले लिया. फिर 32 के बाद कौन सा नंबर आता है, 32, उसके बाद आता है 33. तो 32 × 33 करो तो ये आता है 1056. 32 × 33 आता है 1056. तो 1056 5 का स्क्वायर लिखा 25, 32 × 33 लिखा तो 1056 आता है. दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है. वैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिया 25, 17 × 18 किया 306, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये लिया पॉइंट, तो इसको ऐड किया तो वी गेट 13.6250. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय यूजिंग अ लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन में आपको ये करना है, ग्रुपिंग करना है. ये 10th प्लेस से ग्रुपिंग करोगे, इसका 2 और इसका 2, फिर वो स्क्वायर नंबर लेके आपको वो उसको फाइंड करना है, ठीक है. तो ये आ गया, एल आ गया 3.7 cm. इसको अप्रॉक्स, इसको राउंड ऑफ किया है, 3.7 cm अप्रॉक्स इज द एल, ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे कोन और हेमिस्फीयर दो सॉलिड कंबाइन हुए हैं, तो हमको वी हैव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉप. तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉप क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ कोन है पाई आर एल, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr², तो इसमें से पाई आर कॉमन निकलता है एल प्लस 2r. पाई का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू रखा, एल 2r,
सेवन से 1.75 कैंसिल होता है, 0.25 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 5.5 आया, इसको मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया तो वी गेट 7.2, इसको मल्टीप्लाई किया तो वी गेट टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉप इज 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जीरो को हटा दिया। नाउ इन एग्जाम्पल टू इट इज गिवन दैट अ ब्लॉक, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। इट इज यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब एंड द हेमिस्फीयर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टॉप, द हेमिस्फीयर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप विच हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया आपको 4.2 एंड द साइड ऑफ द दिस क्यूब इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ब्लॉक वी हैव टू फाइंड। नाउ यह डायमीटर दिया 4.2, द रेडियस आ जाएगा 2.1, क्यूब का साइड दिया 5 सेंटीमीटर। अभी देखो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, तो ये देखो ये सर्फेस जो है ये टॉप का सर्फेस है, इसके ऊपर ये बेस एरिया ओवरलैप हुआ है, तो हमको ये बेस एरिया यहाँ से निकालना पड़ेगा बाहर, क्योंकि जब आप कंबाइन करोगे तो यू विल नॉट सी दिस बेस एरिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब में से ये बेस एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो सर्फेस एरिया ऑफ ब्लॉक हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब में से हमने माइनस किया बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस ये वाला एरिया ऐड कर देना है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज ये एरिया हमको दिखेगा लेकिन ये एरिया डिसअपियर हो जाएगा, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा ये इसके टोटल सर्फेस एरिया में से। सो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब है 6a स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कल रहता है तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr² तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr² होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें 6a का वैल्यू रखा 5 स्क्वायर, r का वैल्यू रखा 2.1, 7 से 2.1 कैंसिल किया, 5 का स्क्वायर रहता है 25, ये आ जाता है 6 × 25 150, ये आ जाता है 150 प्लस 2 × 0.63, तो इसको ऐड किया तो विल गेट 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, डेकोरेटिव ब्लॉक। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, हियर इट इज गिवन अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। सो माउंटेड इट इज शेप ऑफ अ कोन, सो इट इज गिवन अ वुडन टॉय रॉकेट, इट इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ये कोन के शेप में दिया है विच इज माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, जो सिलेंडर के ऊपर माउंट किया है, ठीक है। नाउ द बेस द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, ये पूरे रॉकेट की हाइट दी है 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical portion is given as 6 cm, ठीक है। Then while the base of the conical portion has a diameter of 5 cm, कोन का आपको डायमीटर दिया 5 cm, ये देखो कोन का डायमीटर है 5 cm तो रेडियस आ जाता है 2.5 cm, और सिलेंडर का डायमीटर दिया आपको 3 cm तो रेडियस आ जाता है 1.5 cm। तो इसको आपको फाइंड करना है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज पेंट करना है और सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट करना है, तो आपको एरिया ऑफ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड एरिया टू बी पेंटेड येलो ये फाइंड करना है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स, ठीक है, हर एक कलर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखो इसमें कोन का हाइट दिया है 6 cm, डायमीटर दिया था 5 तो रेडियस हो जाए 2.5, सिलेंडर का हाइट अभी देखो ये पूरी एंटायर रॉकेट की हाइट दिया 26, कोनिकल पोर्शन का हाइट दिया 6 तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 26 - 6 विच इज इक्वल्स टू 20 cm, डायमीटर दिया 3 तो रेडियस आ जाता है 1.5 cm। तो इसमें पहले हमने एल स्क्वायर फाइंड किया कोन में, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोन का हाइट दिया 6 स्क्वायर और रेडियस दिया 2.5 स्क्वायर, तो वी गेट 42.25। अभी देखो इसमें भी लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करना है, 25 होता है 5 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 5, 25 मतलब 5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 5, फिर 6 × 7 किया तो 6 × 7 करोगे तो 42 होता है, उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लेना है, 6 × 7 = 42 तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 6, ठीक है। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिया है 6, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका आता है 6.5 cm। नाउ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, तो देखो कौन सा पोर्शन यहाँ पे फिगर में देखो कौन सा पोर्शन आपको ऑरेंज पेंट करना है, कोनिकल पोर्शन, तो इसमें देखो इसमें कौन कौन सा पोर्शन होगा ऑरेंज पेंट, सीएसए ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, इसमें ये आ गया है ये कोन सिलेंडर का भी बेस एरिया आया है तो वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमको पेंट नहीं करना है ऑरेंज, तो माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सीएसए ऑफ कोन
प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर माइनस बेस एरिया ऑफ कोन. तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो सी एस ए ऑफ कोन है पाई आर एल, बेस एरिया ऑफ कोन है पाई आर स्क्वायर और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर. इसके लिए स्मॉल आर लिया है सिलेंडर के लिए और कोन के लिए कैपिटल आर लिया है. तो इसमें पूरा पाई कॉमन निकलता है, पाई कॉमन निकाला आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो इसमें वैल्यूज रखा आर आर स्क्वायर और फाइव का और फिर पूरा फाइंड आउट किया. तो वी गेट 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज. अभी निकालना एरिया टू बी पेंटेड येलो. येलो सिलेंड्रिकल पोर्शन को करना है तो इसमें सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा. अभी ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये निकल चुका है. तो सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है. तो सी एस ए टू पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर. इसमें कॉमन निकलता है पाई आर, तो पाई आर कॉमन निकला 2h प्लस आर. तो इसमें पाई आर का वैल्यू रखा, सिलेंडर के आर का वैल्यू, सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस, ठीक है. वो फाइंड आउट करके वी गेट 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया टू बी पेंटेड येलो. नाउ इन लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, इट इज गिवेन दैट मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड. The height of the entire cylinder is 1.45 centimeter and the radius is 30 centimeter. So find the total surface area of the bird bath. तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिलेंडर के अंदर जो है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया है. There is a hemispherical depression in the cylinder. इस made hemispherical depression is made in the cylinder. तो हमको एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकालना है. तो इसमें रेडियस दिया 30 सेंटीमीटर, हाइट दिया 1.45 मीटर में दी है हाइट. तो इसमें क्या किया हमने, रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.35 मीटर रेडियस आता है, हाइट दिया 1.45 मीटर ये आपको हाइट दी हुई है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ आ जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है. टोटल सरफेस क्योंकि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है सिलेंडर के अंदर किया है तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा और सी एस ए ऑफ सिलेंडर ऐड होगा. सो वी गेट सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आता है 2 पाई आर एच. तो ये 2 पाई आर आर प्लस एच, इसमें आर और एच का वैल्यू रखा सो इसमें 7 से ये जाता है 1.75 कट के. सो वी गेट 3.3 मीटर स्क्वायर एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है. थैंक यू.